हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का। इसमें देखेंगे क्या वो आपसे नाराज़ है, क्यों अब तक बात नहीं कर रहे हैं, वो रीज़न क्या है, वजह क्या है, क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं, अब तक क्यों नहीं किया है और क्या आगे करेंगे। स्पेशली यही जानने की कोशिश करेंगे कि वो आपसे नाराज़ है कि नहीं और कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। वो कांटेक्ट रीडिंग है, सेपरेशन वालों के लिए रीडिंग है। और क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, खुद से करेंगे या आपसे उम्मीद करते हैं, क्या है उनका सोच, या कभी बात ही नहीं करना चाहते वो आपसे, यही सब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैं यही चेक करना चाहूँगी, जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, इनका सोच आपको लेकर क्या है। यूनिवर्स बताए मुझे, क्या ये व्यक्ति, ये पर्सन मेरे व्यूवर से नाराज़ हैं। इम्प्रेस, आपसे कोई नाराज़ हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपने कुछ ऐसा किया भी नहीं है जिससे कोई आपसे नाराज़ हो सके, आपके पार्टनर नाराज़ हो सके, ठीक है। आप तो काफ़ी प्योर हार्टेड हो, आप काफ़ी लविंग हो, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, आप स्वीट हार्ट हो, ठीक है। आप ऐसा हो कि सबकी ज़िंदगी को, लाइफ को खुशियों से भरते हो, आप किसी के लिए गुड लक हो, काफ़ी लकी हो, ठीक है। कोई व्यक्ति आपको अपने सर का ताज बनाना चाहते हैं बिल्कुल, या आपका उनके लाइफ में रहना उनकी किस्मत की बात है, उनकी ग्रोथ की बात है, ठीक है। आप किसी के लिए काफ़ी लकी रहे हो, जिस भी व्यक्ति की लाइफ में रहोगे उनका तो किस्मत ही है। आप इतने अच्छे पर्सन हो कि इनके दिल की बात बता रही हूँ, ठीक है। जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनका, तो मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि वो आपको लेकर नाराज़ हैं, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है, बल्कि आप तो काफ़ी स्वीट हार्ट हो, आप काफ़ी रियल में डाउन टू अर्थ हो, प्योर हार्टेड हो, आप देना चाहते हो, आप देते हो लोगों को प्यार, रिस्पेक्ट, केयर, लव, आप में ये है, ठीक है। तो नहीं, कोई आपसे नाराज़ नहीं है, नहीं हो सकता। कोई प्रैक्टिकल हो सकता है, या कोई अपने करियर में बहुत बिजी है, नहीं, कोई आपसे नाराज़ नहीं है। यूनिवर्स बताएं मुझे, ये व्यक्ति मेरे व्यूवर से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपको जब भी आपके बारे में सोचते हैं, ये सोचते हैं, मुझे एक थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मिला है। ओके, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ब्रेकअप हुआ है यहाँ पर, ये खुद किसी और के साथ चले गए, या अट्रैक्ट हो गए, या किसी को चूज़ कर लिया, इन्होंने खुद ब्रेकअप किया, ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। या आपके साइड से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये हर्ट है, ये दर्द में है, पर नाराज़ नहीं है, ठीक है। नाराज़गी नहीं है इनको, पर हाँ मुझे दर्द में दिखाई दे, अगर आपसे कुछ हुआ है तो। और ये अपने इमोशंस आपसे जाहिर भी कर देंगे बहुत जल्द, ठीक है। किसी बात को लेकर मैं फ्रस्ट्रेटेड देख पा रही हूँ कुछ लोग के लिए, मुझे 1% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल, अगर ये आपसे नाराज़ हैं भी ना, दिल से नहीं हैं, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, अगर नाराज़गी में है तो। क्योंकि हाँ, कुछ लोग के लिए मुझे ये एनर्जी मिली है, बहुतों के लिए नहीं है, ठीक है। मुझे सिर्फ ये 1% लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर नाराज़ हैं आपसे, क्योंकि आपने उनका दिल तोड़ा या कुछ ऐसे बातें करी है जिससे उनको हर्ट हुआ है, उनको दर्द हुआ है, उनका दिल टूटा है। तो ऐसा कुछ हुआ है तो हाँ, ये नाराज़ हैं और अपनी नाराज़गी जल्द ही जाहिर करेंगे, 1 वीक के अंदर ही आपको जाहिर कर देंगे। उसके बाद आप दोनों के बीच बैलेंस आ जाएगी, आई थिंक कुछ होगा, ठीक है, कुछ तो होगा यहाँ पर आप दोनों के बीच। आज जो सिचुएशन है वो नहीं रहेगी, या तो आगे बढ़ेगी, या तो बिल्कुल कुछ डिसीज़न लेना होगा यहाँ पर, ठीक है। पर जस्टिस होगी किसी के साथ यहाँ पर, अगर ऐसा है तो।
और वहीं अगर आपकी साइड से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, किसी का दिल आपने नहीं तोड़ा है, नहीं दुखाया है, आपको ये बात पता है, तो आपके पार्टनर ने आपको हर्ट पहुंचाया है थे, ठीक है, इन्होंने आपको हर्ट पहुंचाया अपने बिहेवियर से, इन्होंने आपको जगल किया या कंफ्यूज रहे ये व्यक्ति, ये किसी और को चूज़ किया है। पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इनका इंतज़ार करो या इनके ही रहो, बिल्कुल इनसे कम्युनिकेट करो, बात करने की कोशिश करो। ये जो चाहते हैं आपसे, ये कुछ चाहते हैं आपसे, मैं देख पा रही हूँ इनके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई है, ठीक है। ये जैसे भी हैं, आप लॉयल ऑनेस्ट रहो, आप इनके प्यार में रहो, इनके ही रहो। आपकी लाइफ में ऑप्शंस हो सकता है, आप कभी इनको ऑप्शंस की तरह ना लो, ठीक है। ये जैसे भी हैं, मैच्योर हैं नहीं हैं, आपको लेकर सीरियस हैं नहीं हैं, पर आप इनको लेकर सीरियस होनी चाहिए। सेपरेशन है फिर भी आप सिर्फ इनकी होनी चाहिए। मुझे इंतज़ार दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ से कुछ चाहते हैं, भाव दो, ठीक है। तो इनका ऐसा सोच मुझे दिखाई दिया है आपके पार्टनर का। और रीज़न क्या है अभी तक बात ना करने का, अगर आपने आपके साइड से हर्ट पहुंचा है तो चाहते हैं कि आप ही इनको हील करो अपने एक्शन से, वर्ड से, जो भी आप करो, ठीक है। पर आपसे ये हील होना चाहते हैं, इनको इंतज़ार है। और अगर इन्होंने दिल तोड़ा है फिर भी इस व्यक्ति को आपके इंतज़ार है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप खुश हो, हैप्पी हो, ये जेलसी फील कर रहे हैं क्योंकि अब आपके पास ऑप्शंस है, आप खुश हो, फील हो गए हो या तो हो रहे हो, आप खुद को अलग कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, ये अपने ड्रीम, अपने गोल को फॉलो कर रहे हो, आप भूलने की कोशिश कर रहे हो, ये इनका सोच है। और ये काफ़ी जेलसी महसूस कर रहे हैं, ये हर्ट फील कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं आपको, दूर बैठे वॉच करते हैं। तो ऐसा कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर मिला है। हो सकता है गाइस इस रीडिंग ने आपसे रेजोनेट किया, नहीं किया, हो रहा है तो ले से, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, बहुतों के लिए रीडिंग है, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एक मिनट, मैंने ये देखा ही नहीं है कि क्या ये आपके लिए एक्शन लेंगे या आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स बताएं मुझे, जो भी ये पर्सन है, क्या इनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए एक्शन लेंगे, इनसे बात करेंगे, मेरे व्यूअर्स से बात करेंगे। एम्परर, यहाँ पर एम्परर है, वहाँ पर एम्प्रेस है, डिवाइन काउंटर पार्ट हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, जिनसे डील कर रहे हो, आपका लव है, आपका लाइफ पार्टनर है, आपकी डेस्टिनी में है, आपकी किस्मत में है। आप दोनों के बीच सेपरेशन हो सकता है, हर्टफुल सिचुएशन हो सकता है, ऐसे वर्ड्स यूज़ किया जहाँ पर एक दूसरे को हर्ट हुआ, इन्होंने किया, आपने किया या दोनों ने ही किया, पर आप दोनों साथ में आओगे, कम्युनिकेशन होगी, आपका जो कनेक्शन है हील होगा, जो भी मनमुटाव है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, दर्द है, पेन है, वो हील हो जाएंगे, जस्टिस होगी, यहाँ पर एक दूसरे के साथ जस्टिस करोगे। ये जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है उसके साथ जस्टिस हो कि सामने वाले पर्सन खुद करेंगे, और वो ये, ठीक है। और अगर ये आपका ट्रू लव नहीं भी है फिर भी आपके साथ जस्टिस तो होकर रहेंगे, आप क्लियरली जान जाओगे कि आपको क्या करना है या ये कैसे हैं, इनका इंटेंशंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आप क्लियरली जान जाओगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो हाँ, अगर ये आपके लव हैं तो आपसे दूर जा ही नहीं सकते, आपके साथ कनेक्शन को हील करने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनके तरफ से आपको एक्शन देखने को मिलेगा। और अगर ये पर्सन आपके लिए राइट नहीं है फिर भी आपके साथ कनेक्शन को, आप दोनों के बीच ज़रूर दूरी है, नो कॉन्टैक्ट है, पर ख़त्म नहीं होने देंगे पूरी तरीके से, भले आपको ऐसा लगता है कि आज ख़त्म हो गए हैं, बट इनके साइड से ख़त्म नहीं हुआ है, ये कुछ ना कुछ ऐसे ज़रूर करेंगे जिससे साथ रह सको या आप इनसे दूर जा ही ना सको, इनसे मूव ऑन कर ही ना सको, इनको भूल ही ना सको, ठीक है। ऑन एंड ऑफ से सिचुएशन मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। या किसी को आपके पीछे लगा देना,
किसी को आप दोनों के बीच रखना, कोई कॉमन फ्रेंड, ठीक है। तो आपको डिसीजन लेनी होगी कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, अपने सुकून के लिए, अपने पीस के लिए, अपनी खुशी के लिए, ठीक है। खुद के साथ आपको जस्टिस करना होगा ऐसे सिचुएशन में। और जो पार्टनर, अगर ये पार्टनर आपके लिए राइट है, तो आपके साथ जस्टिस तो होकर रहेगी, ये खुद करेंगे, ठीक है।